हमारे टेली ईआरपी 9 कोर्स का चैप्टर 14 टाइप्स ऑफ परचेज इन टेली ईआरपी 9। इस चैप्टर के बाद हम टेली ईआरपी 9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेज कितने तरह की होती है और किस तरह उनकी एंट्री करनी है और कौन सी परचेज में क्या ध्यान रखना है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, और एक अकाउंटेंट को परचेज की एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह की परचेज है, क्योंकि अकाउंटिंग में वैसे तो परचेज कई तरह की होती है, लेकिन हम फिलहाल टेली ईआरपी 9 में चार तरह की परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, जो कुछ इस तरह है। फर्स्ट, परचेज एग्जेम्प्ट। सेकंड, परचेज जीएसटी। थर्ड, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। एंड फोर्थ, परचेज आईजीएसटी। तो अब वन बाई वन थोड़ी डिटेल में इन परचेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परचेज एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, तो उसे परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। दूसरा, परचेज जीएसटी। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 या 28% इनमें से कोई भी टैक्स लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से परचेज की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, उसे परचेज जीएसटी कहते हैं। और इस तरह की परचेज में टैक्स एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है टैक्स रेट का 50-50%। यानी अगर 28% टैक्स है तो एसजीएसटी 14% लगेगा और सीजीएसटी 14%। जैसा कि मैंने चैप्टर 7 व्हाट इज जीएसटी में बताया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगली है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो। और अगला है परचेज आईजीएसटी। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 और 28% टैक्स लगता हो और किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो, और इस तरह की परचेज में आईजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स रेट का 100%, यानी 28% टैक्स है तो आईजीएसटी 28% लगेगा। तो फिलहाल इन चार तरह की परचेज की एंट्री हमें सीखनी है, और इन चारों तरह की परचेज की एंट्री टेली ईआरपी 9 में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो परचेज की वन बाई वन एंट्री करना हम आने वाले अगले चैप्टर में सीखेंगे, साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 15, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखो, टेली ईआरपी 9 में अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है, एक को बोलते हैं अकाउंट्स ओनली और एक को बोलते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोनों के एक छोटे से एग्जांपल दूंगा मैं, जिससे आप समझ जाओगे कि अकाउंट्स ओनली क्या होता है और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या होता है। अकाउंट्स ओनली, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा, और एक ये अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा जिसमें है ब्लैक पेन 10 क्वांटिटी, एक पेन की कीमत है 10 रुपये और टोटल 100 रुपये। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। अकाउंट्स ओनली में ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने 100 रुपये का माल खरीदा है तो उसमें क्या क्या खरीदा है, मतलब क्या क्या आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी के आपने खरीदे हैं। और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में यह मेंटेन करना पड़ता है कि आप जो भी माल खरीद रहे हो उसमें क्या क्या आइटम खरीद रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी के खरीद रहे हो और एक आइटम की रेट क्या है। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बीच में। 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है। जहाँ पे भी अकाउंट्स का काम करते हैं जो मालिक होता है वो तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या आइटम मैं खरीद रहा हूँ, कब कब बेच रहा हूँ, मुझे पूरा स्टॉक मेंटेन करना है। तो 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है और 10% में अकाउंट्स ओनली का काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम सीधा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से ही शुरुआत करेंगे
और अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इसको हम एक चुटकी में समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री से शुरू करेंगे और जब हमारे अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है और अकाउंट्स ओनली में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। दो चीज़ें जो है बहुत ईजी है, ये हम जब हमारा इन्वेंट्री वाला कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा विथ GST उसके बाद में सीखेंगे। और इस वीडियो से शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 16, परचेज एंट्री विथ एग्जेम्प्टेड आइटम। इस वीडियो में हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको टेली को ओपन कर लेना है। टेली ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है क्योंकि हमने एक कंपनी है जो ऑलरेडी बना ली थी, हमें उसी कंपनी को ओपन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करूँगा या कीबोर्ड में एस भी प्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने कंपनी बनाई थी वो लिस्ट में वो कंपनी आ जाएगी। अब फिर से एंटर करूँगा तो मेरी ये जो कंपनी है वो कंपनी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात क्लियरली कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको जाननी जरूरी है ताकि आप बिना परेशानी के परचेज की एंट्री कर सकें। सबसे पहले के मेक श्योर आपने GST का फीचर्स जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। साथ में एक बात और बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो में हम 6 नई चीज़ें सीखेंगे। परचेज की एंट्री करना सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके साथ में लेजर क्रिएट करना सीखेंगे और फिर ग्रुप के बारे में जानेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो ये 6 चीज़ें जो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे, तो जैसे जैसे हम इस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। परचेज की एंट्री करने के लिए, आपको किसी भी तरह की एंट्री करने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर, इस पर आकर के एंटर करना है या फिर इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड में वी, आप वी भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये जो आपके सामने ओपन हुआ है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पेमेंट का वाउचर ओपन है। लेकिन हमें क्योंकि परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर खोलना पड़ेगा और यहाँ पे आप फंक्शन बार में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज जिसका शॉर्टकट है F9। तो परचेज का वाउचर ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में F9 दबाना है या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमेशा आप कीबोर्ड का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं F9 प्रेस करूँगा तो F9 प्रेस करने के बाद में जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। अब अगर आपका परचेज का वाउचर इस तरह आ रहा है जिसमें ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम, परचेज लेजर और नेम ऑफ आइटम, तो आपको कुछ भी किसी भी तरह की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वरना कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का परचेज का वाउचर अगर इस तरह आ रहा है, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम और जो परचेज लेजर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है और वाउचर हमारा ये परचेज का ही है। अगर किसी का वाउचर इस तरह आ रहा है तो उसको एक सेटिंग करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन बार में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इनवॉइस, इसका शॉर्टकट है Ctrl V। अब ये जो वाउचर है हमारा, ये जो आप वाउचर देख रहे हैं ये वाउचर, इसको बोलते हैं एज वाउचर टाइप। वाउचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एज वाउचर टाइप और एक होता है एज इनवॉइस, यानी इनवॉइस की तरह। तो हमें इस वाउचर को इनवॉइस की तरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एज इनवॉइस या कीबोर्ड में Ctrl V प्रेस कर सकते हो या फिर आप एज इनवॉइस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड में जैसे ही Ctrl V प्रेस करूँगा, अभी आप देख सकते हैं ये वाउचर कुछ इस तरह का है, फिर बाद में ये वाउचर चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये वाउचर एज इनवॉइस यानी इनवॉइस मोड पर आ गया है। इसके अलावा एक चीज़ और, कि अगर यहाँ पे आपके नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ रहा है तब तो ठीक है, कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह लिखा हुआ रहा है पर्टिकुलर, तो आपको एक सेटिंग और देखनी है यहाँ पे। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फंक्शन बार में देख सकते हैं लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस, यानी इस वाउचर को जो हम एज आइटम इनवॉइस की तरह देखना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट है यहाँ पे Alt-I या फिर आप आइटम इनवॉइस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड में Alt-I दबाऊंगा, जैसे ही Alt-I दबाऊंगा यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम आ जाएगा, मैं प्रेस करता हूँ Alt-I। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ रहा है। तो देखिए आपका परचेज का वाउचर है ना, सेम इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ। नहीं है तो उसमें आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपको मैंने बता दी है। तो अब एंट्री करना शुरू करते हैं।
देखिए, परचेज की एंट्री करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ परचेज की एंट्री किस आधार पर की जाएगी। जब भी हम कोई इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई भी परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का बिल नहीं देता है। वो आपको कॉपी में लिख करके देते हैं कि रवि से 25/10/2019 को 5,000 रुपये का माल खरीदा, इसकी एंट्री आप टेली में कर दो। और जब आप कहीं पे काम करने जाओगे तो तब आपको इस तरह कुछ कोई भी कुछ भी लिख करके नहीं देगा। परचेज की एंट्री करने के लिए आपको एक बिल दिया जाएगा, यानी परचेज का बिल दिया जाएगा, और उसी बिल को देख करके आपको परचेज की एंट्री करनी है। तो ये फर्क होता है इंस्टीट्यूट में और प्रैक्टिकली काम करने में। तो कई लोग जब फर्स्ट टाइम काम करने जाते हैं तो परचेज का बिल देख करके घबरा जाते हैं, क्योंकि परचेज बिल का फॉर्मेट अलग अलग तरह का होता है। कोई किसी तरह का परचेज का बिल देता है, किसी का किसी तरह का होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के बिल निकलते हैं। तो कई लोग परचेज का बिल देख करके घबरा जाते हैं और परचेज की एंट्री ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि परचेज की एंट्री आपको परचेज का बिल देख करके करनी है, ना कि कोई आपको ये लिख करके देगा कि भाई आपको इस इसकी एंट्री करनी है। तो परचेज का बिल किस तरह का होता है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दो एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ बिल जो है वो इस तरह के होंगे, कुछ बिल जो है वो इस तरह के होंगे, और बहुत से अलग अलग बिल होंगे जिसमें एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होगी जो हमारे का काम की भी नहीं है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से किस चीज को देखें किसको नहीं देखें। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि परचेज के बिल में आपको डायरेक्टली किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है या किस पे फोकस करना है। सबसे पहले परचेज बिल में आपको देखनी है परचेज बिल की तारीख, यानी हमने जो माल खरीदा वो किस तारीख को खरीदा है। उसके बाद में देखना है बिल नंबर, यानी जो हमने माल खरीदा उसका इनवॉइस नंबर क्या है। उसके बाद में पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी के जीएसटी नंबर, ये तीन चीज़ें हमें उसके बाद में देखनी है, यानी हमने किस पार्टी से माल खरीदा है और उस पार्टी का एड्रेस क्या है और उस पार्टी के जीएसटी नंबर क्या है। उसके बाद में स्टॉक आइटम, यानी हमने क्या आइटम खरीदा है। उसके बाद में एचएसएन कोड, एक आइटम के एचएसएन कोड होते हैं जो हर बिल पर प्रिंटेड होते हैं, ऑलरेडी प्रिंट आते हैं, तो हमें किसी भी आइटम के एचएसएन कोड को पता करने की ज़रूरत नहीं है, सब बिल पर ही प्रिंट रहेंगे। उसके बाद में जीएसटी टैक्स रेट, यानी इस पे इस आइटम पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है। उसके बाद में क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी का आपने वो आइटम खरीदा है। और उसके बाद में रेट, एक क्वांटिटी की रेट क्या है। और उसके बाद में आगे होगा टोटल, और फिर नीचे एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी, जो भी टैक्स लगता है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा। और उसके बाद में इनवॉइस की टोटल, यानी जो हमने माल खरीदा है वो टोटल कितने रुपये का है। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, बाकी इनवॉइस में जो भी दिया हुआ है हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकली आपको इनवॉइस को देख करके एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैं किसी पार्टी का ओरिजिनल बिल आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ओरिजिनल बिल में देखिए सारी डिटेल होती है, उसमें आइटम की वैल्यू सब आ जाती है, तो वो सेंसिटिव चीज़ है, मैं उसको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस में यहाँ पे एक नोट्स तैयार किए जो कुछ इस तरह से हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें ये डिटेल जो डिटेल मैंने बताई है वो सब कुछ मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम जिससे हमने माल खरीदा है, उस पार्टी का एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर। इसके अलावा यहाँ पर आइटम का नाम, एचएसएन कोड, जीएसटी टैक्स रेट, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और किसी भी परचेज की एंट्री करने के लिए हमें केवल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन को हमें देखना है। तो इसके आधार पर हम परचेज की एंट्री करेंगे, और यहाँ पर टोटल मैंने 15 एंट्री आपको दी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो अब इसको देख करके एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस मैं टैली ओपन करूँगा। सबसे पहले परचेज की एंट्री करते वक्त ये चेक कर लें कि वाउचर की डेट क्या लगी हुई है। तो सबसे पहले इनवॉइस में देखें कि हमने जो माल खरीदा वो कितनी तारीख को खरीदा है। हमने माल खरीदा है 1 अप्रैल को, तो वाउचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख लगी हुई है 1 अप्रैल 2019, तो हमें तारीख चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर 2 अप्रैल को खरीदा होता तो उसकी तारीख कैसे चेंज करते। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि ये डेमो वर्जन है, इसमें हम हर महीने की केवल 1 और 2 तारीख ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा तीसरी तारीख यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने 2 तारीख को अगर ये माल खरीदा होता तो उसकी वाउचर की डेट कैसे चेंज करता। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन बार में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेट, जिसका शॉर्टकट है F2। जैसे ही आप कीबोर्ड में F2 दबाओगे तो आपके वाउचर की डेट चेंज करने का फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी तारीख चेंज करनी है वो आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो। मान लीजिए अगर मुझे 1 मई करनी है तो 1/5/2019,
मैं ये तारीख लगा दूंगा तो, और एंटर जैसे ही एंटर करूंगा मेरी वाउचर की डेट चेंज हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 करनी है, तो मैं वाउचर की डेट लगाऊंगा 1/4/2019 और एंटर करूंगा तो मेरे वाउचर की डेट लग जाएगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब जो आपने माल खरीदा है उसमें बिल नंबर क्या है, वो बिल नंबर हमें यहाँ डालने हैं। तो यहाँ पर हमारे बिल नंबर है 01234, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 01234। उसके बाद में मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करूंगा। अगला ऑप्शन है डेट, डेट हमें 1 अप्रैल 2019 ही रखनी है। उसके बाद में फिर एंटर प्रेस करूंगा। अब अगला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, यानी आपने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो केवल कैश लिखा हुआ रहा है। और हमने किस पार्टी से माल खरीदा है, हमने खरीदा है कृषि बीज भंडार से, और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उस पार्टी का नाम इस लिस्ट में आ जाए। तो किसी भी तरह का कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीज जब पहली बार क्रिएट की जाती है तो उसका एक शॉर्टकट है Alt+C। आपको जहां जरूरत पड़ती है वहां पे Alt+C दबाना। फॉर एग्जांपल हमें पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करना है, तो हमें यहीं पर आकर के Alt+C प्रेस करना है। देखिए जो ब्लैक मार्क जहां पर चलता है हम वहां पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैग लेता हूँ तो अभी हम डेट पर आ गए, और अब फिर बैग लेता हूँ तो अब हम सप्लायर इनवॉइस नंबर पर आ गए। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C दबाऊंगा तो मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहीं पर Alt+C दबाना है। तो मुझे ज़रूरत है पार्टी अकाउंट नेम की, तो पहले पार्टी अकाउंट नेम पे आऊंगा, तो एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आकर के Alt+C प्रेस करूंगा। तो याद रखना Alt+C शॉर्टकट है किसी भी तरह का लेजर क्रिएट करने के लिए या फिर किसी भी तरह का स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर कीबोर्ड में मैं Alt+C दबाता हूँ। जैसे ही Alt+C दबाऊंगा यहाँ पर मेरे टेली की एक नई विंडो ओपन हुई है जिसको बोलते हैं लेजर क्रिएशन विंडो। तो यहाँ पर सिंपली अब हमें उस पार्टी का नाम लिखना है, उस पार्टी का नाम है कृषि बीज भंडार, ठीक है। ये हमने नाम टाइप कर देना, उसके बाद में करना एंटर। यहाँ पर एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको सिंपली कर देना एंटर। अब ये है कोई भी लेजर क्रिएट करने पर मेन पार्ट जो आता है वो ये वाला है, इसको बोलते हैं ग्रुप। जो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी एक नया लेजर क्रिएट किया जाता है उसको एक ग्रुप में डालना पड़ता है। और यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं कर सकते। हर एक लेजर के लिए आपको सही ग्रुप की पहचान करनी जरूरी है। तो इस तरह की जितनी भी पार्टियां होंगी जिससे हम माल खरीदेंगे उसके ग्रुप की पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वो पार्टी हमसे माल के बदले में पैसे लेगी, तो वो पार्टी हुई हमारी लेनदार। लेनदार क्यों हुई, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा और वो माल के बदले में हमसे रुपए लेगी। लेनदार को टेली की लैंग्वेज में कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ही लेनदार होता है। तो यहाँ पर ग्रुप में सिंपली आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। उसके लिए यहाँ पे लिस्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके लिए SUNDRY। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में जितने भी थे उसमें से केवल दो चीज़ें निकल करके आ गई, एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक है सन्ड्री डेटर्स। तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, और सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है देनदार। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने के लिए कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं अप डाउन वाले, उसको यूज़ करना है। जैसे मैं डाउन वाला एरो दबाऊंगा तो आप देखिए आप यहाँ पे मैं इन पर मूवमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स पर आकर के एंटर करना है। जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स पर एंटर करूँगा मेरा ग्रुप जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद में अगला ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये आपके नो होगा, सॉरी ये आपके येस होगा, इसको आपको करना है नो। नो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एंड टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे आपका ऑप्शन नो हो जाएगा, और ये इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड इस ऑप्शन को भी नो रखना है, ठीक है। आगे एंटर करेंगे, अब आगे हम मेलिंग डिटेल में, यानी इसकी एडिशनल डिटेल जैसे एड्रेस GST नंबर वगैरह ये हमें डालनी है। तो नाम हमें इसका यही रखना कृषि बीज भंडार, एंटर करेंगे। अब इसका एड्रेस डालना है, तो एड्रेस इसका क्या एड्रेस देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसका एड्रेस है 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग मेन चौक जोधपुर 30/2001। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 025 near small building
अब आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर इस पार्टी का मान लीजिए एड्रेस लंबा है तो एक ही लाइन में फिट करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर दबा करके दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मेन चौक। अब मान लीजिए एड्रेस और लंबा है, तीसरी लाइन की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप एंटर दबा करके थर्ड लाइन को भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा जोधपुर। अगर और भी लाइन की जरूरत है तब भी आप जैसे एंटर दबाओगे तो एक लाइन और यूज कर सकते हो। अब मुझे एक लाइन की और जरूरत नहीं है तो मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो मैं अगले ऑप्शन की तरफ चला जाऊंगा। तो कंट्री, इसकी कंट्री है इंडिया और स्टेट, स्टेट इसका है राजस्थान। तो यहाँ पर स्टेट की लिस्ट खुलेगी, उस स्टेट में से आप अपना जो भी दूसरा बिल में स्टेट दिया हुआ वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एंटर दबाऊंगा। अगला यहाँ पर पिन कोड डालना है, पिन कोड है इसका 30201। तो पिन कोड अगर दिया हुआ है बिल में तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंटर करूंगा, अगला ऑप्शन है प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको रखना है नो। एंटर करूंगा पेन आईटी नंबर, इसको ब्लैंक रहने दूंगा एज इट इज। और अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे चार दिए हुए हैं, एक है कंपोजिशन, एक है कंज्यूमर, एक है रेगुलर और एक है अनरजिस्टर्ड। ये चार तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन पार्टियों के जीएसटी नंबर होते हैं वो पार्टी होती है रेगुलर, और जिन पार्टियों के जीएसटी नंबर नहीं होते हैं वो पार्टी होती है अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो इस पार्टी के जीएसटी नंबर है, इसमें हमको रेगुलर सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना। उसके बाद में डालने हैं इस पार्टी के जीएसटी नंबर। तो इस पार्टी के जीएसटी नंबर ये लिखा हुआ है 08, जो भी ये जीएसटी नंबर है इस जीएसटी नंबर को डालना है। तो मैं यहाँ सिंपली इस जीएसटी नंबर को डाल देता हूँ 08ABCDE1234R1Z1। तो ये इस पार्टी के जीएसटी नंबर हो गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी जीएसटी नंबर गलत नहीं डालने हैं। जैसे ही आप गलत डालोगे तो टेली आपको एरर दे देगा कि आपने जो जीएसटी नंबर डाले हैं वो जीएसटी नंबर गलत हैं, आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। तो अभी हमें इन्हीं जीएसटी नंबर से काम चलाना है, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को आपको रखना है नो और एंटर कर देना है। जैसे लास्ट स्टेप पर आओगे आपको ये पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपका ये जो नया लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी डिटेल हमने डाली है। सबसे पहले पार्टी का नाम टाइप कर दिया, उसके बाद में उसके लिए एक ग्रुप सेलेक्ट किया। इस तरह की जो भी पार्टीज होगी जिससे हम माल खरीदते हैं उसका ग्रुप क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना। उसके बाद में इन दो ऑप्शन को आपको नो करना है। फिर यहाँ पर उस पार्टी का हमने एड्रेस डाल दिया और फिर यहाँ पर उस पार्टी के हमने जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो डाल दी। तो ये सिंपल सी चार चीज़ें आपको डाल करके ओके करना है, आपका लेज़र क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लेज़र क्रिएट हो गया है। बैक जा करके देखूँगा तो जहाँ पर अभी लिस्ट में केवल कैश आ रहा था अब वहाँ पर कृषि बीज भंडार का भी नाम आ गया। तो इसको बोलते हैं लेज़र क्रिएट करना, और इसके लेज़र क्रिएट करने के लिए मैंने आपकी आपको सारी प्रोसेस बता दी है। तो एंटर दबाऊंगा, ये जो एज इट इज रहने दूंगा और एंटर करूंगा। एंटर करता हुआ अगले ऑप्शन की तरफ आ जाऊंगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे परचेज का लेजर। मैंने चैप्टर 14 में बताया था कि टाइप्स ऑफ परचेज यानी परचेज कितने तरह की होती है, चार तरह की परचेज मैंने आपको बताई। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखें। अब हमें परचेज का बिल देख करके आइडेंटिफाई करना है कि ये जो परचेज है वो हमारी परचेज किस तरह की है। मैंने बताया था कि ऐसी परचेज जो हम सेल्फ स्टेट से यानी खुद के ही किसी स्टेट से परचेज करते हैं और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस परचेज को परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर Alt प्लस सी दबाऊंगा। यहाँ पर Alt सी दबाऊंगा तो यहाँ पर एक फिर से लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब मुझे परचेज का लेजर क्रिएट करना है। ये मेरी जो परचेज है वो है परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी मैंने ये परचेज जो की है वो खुद के सेल्फ स्टेट से की है और इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये परचेज एग्जेम्प्टेड है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। फिर एंटर दबाऊंगा, एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है। फिर आना है अंडर ग्रुप में। अब इसके लिए भी आपको परचेज एग्जेम्प्ट के लिए भी एक सही ग्रुप की पहचान करनी है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। हम किसी भी तरह का परचेज का लेजर बनाएंगे, चाहे वो परचेज एग्जेम्प्टेड हो, परचेज जीएसटी हो, परचेज आईजीएसटी हो या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, उसके लिए केवल एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है परचेज अकाउंट। तो आपको यहाँ पर सिंपली परचेज टाइप कर देना है तो लिस्ट में यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है।
और फिर अगले ऑप्शन है हमारे पास में इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस ही रहने देना है। एंटर करेंगे, टाइप्स ऑफ लेजर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा। उसके बाद में इज जीएसटी एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को यस एप्लीकेबल ही रखना है। अगला एंटर करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, क्या इसकी कोई जीएसटी डिटेल है, तो इसकी कोई भी जीएसटी डिटेल नहीं है, यहाँ पर हमें नो रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिस चीज़ का हमारे पास में परचेज का बिल आया है वो माल है या सर्विस है, तो वो देखिए जिस चीज़ का हमारे पास में बिल आया वो माल है, माल है तो यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करना है, और किसी तरह की सर्विस है तो सर्विस को लेना है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर गुड्स पर आकर के एंटर कर देना है। उसके बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसकी भी कोई बैंक डिटेल नहीं है, यहाँ पर नो रखना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में जब एंटर करेंगे यहाँ पर पूछेगा सेव यस और नो, तो जैसे ही एंटर दबाएंगे ये लेजर भी हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी इन्फॉर्मेशन डाली हमने, सबसे पहले एक परचेज का लेजर बनाया है, उसके बाद में उसको एक ग्रुप में डाल दिया, फिर यहाँ पर कुछ जीएसटी की सिंपल सी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह परचेज का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं कर दूंगा सिंपली एंटर, तो जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज एग्जेम्प्टेड जो है वो लेजर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम आ गए नेम ऑफ आइटम के अंडर, अब यहाँ पर हम सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सिंपली अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है, जब भी हम पहली बार कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कृषि बीज भंडार से हमने पहली बार माल खरीदा तो हमें यहाँ पर लेजर बनाना पड़ा। परचेज एग्जेम्प्टेड, पहली बार हमने परचेज एग्जेम्प्टेड परचेज की है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ा। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, हमने जो आइटम खरीदा है वो भी पहली बार खरीदा है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फिर मैं Alt प्लस सी दबाऊंगा, तो जैसे ही Alt प्लस सी दबाऊंगा अब मेरे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इससे पहले जब Alt सी दबा रहे थे तब लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो रही थी, अब हमने Alt सी दबाया यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उस स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम है जीरा सीड 555 1 kg, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जीरा सीड 555 1 kg, ये स्टॉक आइटम का नाम हो गया। अब एंटर दबाऊंगा, एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना अभी, फिर एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ पे जो अगले ऑप्शन पर अपन आए इसको बोलते हैं स्टॉक का ग्रुप। देखिए स्टॉक ग्रुप को कई अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टॉक ग्रुप किस आधार पर बनाना है। देखिए कई आइटम ऐसे होते हैं जो 0% के होते हैं, कई आइटम 5% के होते हैं, कई 12 के होते हैं, कई 18 के, और कई आइटम जो है 28% के होते हैं। तो इन सभी स्टॉक आइटम को आपको अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए, यानी 0% का जो स्टॉक आइटम है उसको आपको 0% के ग्रुप में अलग रखना चाहिए, 5% को 5% के ग्रुप में रखना चाहिए, 12% वाला आइटम को 12% के ग्रुप में अलग। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ये जो आइटम हमारा है वो 0% का है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर हम एक 0% का ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर Alt प्लस सी दबाऊंगा, तो जैसे ही Alt सी दबाऊंगा तब आप देख सकते हो यहाँ पर जो विंडो ओपन हुई है वो है मेरे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो। तो यहाँ पर मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करूँगा आइटम्स @00%, तो यहाँ पर इस ग्रुप का मैंने नाम दे दिया, यानी ये जो आइटम्स है वो 00% का है। अगर कोई टैक्स 5% का आइटम होता तो हम यहाँ पर 00% की जगह बनाते हैं आइटम्स @05%, यानी वो आइटम जो 5% ग्रुप के हैं। और ये ग्रुप हमारे, ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो हमारे कहाँ पर काम आएगा वो मैं आपको जैसे जैसे आगे चैप्टर की तरफ, कोर्स की तरफ बढ़ेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बना दिया, एंटर करूंगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज रखनी है और सेव कर देना है इसको। जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पर मेरा जो एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर यूनिट्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई आइटम ऐसे होते हैं जो किलोग्राम में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो लीटर में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो मीटर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़ा खरीदते हो तो मीटर में आएगा, शक्कर खरीदते हो तो किलोग्राम में आएगी, कोई फ्रिज एसी वगैरह खरीदते हो तो ये क्वांटिटी में आएगा। तो अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं। तो जो भी आइटम आप परचेज करोगे वो इनवॉइस पर ही प्रिंटेड रहेगा कि ये जो आइटम है वो आपके किलोग्राम में है, लीटर में है या फिर मीटर में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो इनवॉइस है यहाँ पर लिखा हुआ 10 kgs, यानी ये जो मैंने स्टॉक, ये जो आइटम मैंने खरीदा है वो 10 kg खरीदा है।
तो यहाँ पर हमें KGS जो है इस यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा, किलोग्राम को। इसी तरह यहाँ पर लीटर है तो इस यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किलोग्राम यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा, और किलोग्राम यूनिट को क्रिएट करने के लिए यहीं पर Alt प्लस C दबाना है। जैसे ही Alt प्लस C दबाऊंगा तब अब हमारे सामने जो विंडो ओपन होगी वो विंडो है यूनिट क्रिएशन की विंडो। तो देखिए जहां जहां पर भी हमने Alt प्लस C प्रेस किया वहां पर अलग अलग विंडो ओपन हुई है। कहीं पर लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है, कहीं पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है, और कहीं पर यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है। तो ये अलग अलग विंडो है, सबका अलग अलग काम है। अब यहां पर हमें एक यूनिट क्रिएट करनी है। यूनिट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सिंबल का यूनिट डालना है। मेरे सिंबल का यूनिट है KGS यानी किलोग्राम्स, और एंटर करना है। इसके बाद में इसका फॉर्मल नेम यानी इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम है किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक सिंबल और ये हो गया इसका फॉर्मल नेम। उसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पे अब डालनी है हमें UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पर जितने भी तरह के देखिए यूनिट होते हैं उन सबका फॉर्मल नेम भी दिया हुआ है और सिंबल भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी का फॉर्मल नेम और सिंबल नहीं पता चलता है तो आप इस लिस्ट में से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किलोग्राम्स टाइप कर दूंगा और यहाँ पर इसका UQC जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, KGS और किलोग्राम्स को इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज यहाँ पर आपको जीरो ही रखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे ये जो यूनिट ऑफ मेजर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स भी लिखा हुआ आ गया है। देखिए अगला ऑप्शन है अब हमारे पास में यहाँ पे GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। उसके बाद में एंटर करना है सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको यस करना है। यस करने के लिए वाई प्रेस करना है और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे अब यहाँ पर GST डिटेल डालनी है आइटम से रिलेटेड। ठीक है, तो आइटम से रिलेटेड GST डिटेल क्या क्या होती है। उससे पहले अगर आपकी विंडो जो इस तरह दी हुई है अगर इस तरह नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एक तो पहला ऑप्शन अलो HSN SAC डिटेल और एक लास्ट वाला ऑप्शन सो ऑल GST टैक्स टाइप, इन दो ऑप्शन को आपको यस कर देना है और बाकी को नो रखना है। तो यस करने के लिए वाई टाइप करना है और यहाँ पर भी यस करने के लिए वाई टाइप करना और एंटर कर देना है। फिर आपकी विंडो जो है ये वाली GST डिटेल वाली कुछ इस तरह ओपन होगी। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। अगला ऑप्शन है HSN हर इन्वॉइस पर लिखे हुए थे, यहाँ पर देख सकते हो आपको इस आइटम के HSN लिखे हुए हैं यहाँ पर 1209, तो इसको देख करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1209 और एंटर करूँगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पर हमेशा आपको ऑन वैल्यू रखना है। ठीक है, अगला एंटर करेंगे, अगला है टैक्सेबिलिटी यानी इस आइटम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर आपको दो आइटम जो भी होंगे वो दो ही तरह के होंगे, एक आइटम होगा जिस पर टैक्स लगता होगा और एक आइटम होगा जिस पर टैक्स नहीं लगता। जिस आइटम पर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल आइटम है और जिस पर नहीं लगता है वो एग्जेम्प्टेड आइटम है। एग्जेम्प्टेड आइटम भी बोल सकते हैं, नील रेटेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर गुड्स ही रखना है और रेट ऑफ ड्यूटी को आपको ब्लैंक छोड़ना है और एंटर कर देना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर मेरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन चीज़ें सीखी है, एक तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद में स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना सीखा है, और फिर यहाँ पर कुछ GST डिटेल डालनी है। GST डिटेल डालने के बाद में आपका स्टॉक आइटम जो है क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डालनी है क्वांटिटी, यानी आपने ये आइटम कितना खरीदा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलो, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी में 10 टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर 10 किलो आ जाएगा। अब एक किलो की रेट क्या है, यहाँ पर दी हुई है 230 रुपये, तो मैं यहाँ पर 230 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो टोटल अपने आप आ जाएगी यहाँ पर 2300 रुपये। अब मैं फिर एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको और कोई नया आइटम बनाना है तो यहाँ पर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए 4-5 अलग अलग आइटम आपने बिल में मंगवाए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग आइटम 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने आइटम आप डालना चाहो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आइटम और परचेज किया है, वो है तारामीरा TMT ऑयल 1 लीटर। तो यहाँ पर फिर वही करूँगा, मैं Alt प्लस C दबाऊँगा और यहाँ पर तारामीरा TMT ऑयल 1 लीटर एंड एंटर कर दूंगा, फिर से एंटर कर दूंगा। अब आया अंडर ग्रुप, देखिए ये आइटम जो है ये भी 0% का है, तो अब हमें दोबारा एक ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट में वो ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा
तो आपको सिंपली यहाँ पर एरो बटन का यूज करते हुए, डाउन एरो का यूज करते हुए आइटम्स एट द रेट 00% को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एंटर कर देना है। अब फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास में दोबारा यूनिट। अब ये जो आइटम हमने खरीदा वो आइटम खरीदा लीटर में और यहाँ पर आ रहा है किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर अब आपको किलोग्राम नहीं लेना है। अगर ये आइटम ऐसा होता जो किलोग्राम में आता तो यहाँ पर किलोग्राम यूनिट जो है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिंपली यहाँ पर केजीएस को सिलेक्ट कर लेना था। तो अब हमें एक लीटर दोबारा से क्रिएट करना है तो Alt प्लस C दबाना है और यहाँ पर इसका सिंबल आ जाएगा LTR और फॉर्मल नेम इसका हो जाता है LITER, ये इसका फॉर्मल नेम है। और UKC में हमें यहाँ पर लेना है KLR किलो लीटर, ठीक है। तो ये इसका UKC कोड है किलो लीटर। तो यहाँ पर मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में कुछ भी नहीं करना है और एंटर कर दूंगा। तो जैसे एंटर करूंगा एक और मेरा यूनिट जो यूनिट्स है वो क्रिएट हो जाएगा, ये हमारा यूनिट है लीटर का। तो अब एंटर करूंगा, फिर वही GST एप्लीकेबल यहाँ पर एप्लीकेबल रखूंगा और फिर उसके बाद में सेट अल्टर GST डिटेल इसको करूंगा यस एंड एंटर। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं डालना है, HSN कोड डालना है। HSN कोड इसका क्या है वो 1209, तो यहाँ पर मैं 1209 डाल दूंगा और एंटर। कैलकुलेशन टाइप मैंने बोला था हमेशा ऑन वैल्यू रखना है और टैक्सेबिलिटी ये आइटम भी जो हमारा एग्जेम्प्टेड है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट का सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी हमारी कुछ भी नहीं आएगी और फिर एंटर दबाऊंगा। तो अब यहाँ पर फिर से मुझे पूछेगा सेव यस और नो, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरा ये जो स्टॉक आइटम है फिर क्रिएट हो जाएगा और एंटर दबा दूंगा, मेरा नया स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पर आपने कितनी क्वांटिटी का खरीदा, तो यहाँ पर मैंने खरीदा 5 लीटर, तो मैं यहाँ पर 5 टाइप कर दूंगा और एंटर। उसके बाद में एक आइटम की रेट 450 रुपये, एक लीटर की रेट 450 रुपये, तो यहाँ पर 450 रुपये डाल दूंगा और एंटर। तो यहाँ पर टोटल इसकी आ जाएगी 2250 और टोटल इनवॉइस हमारा आता है 4550 का और यहाँ पर हो गया 4550। तो देखिए आपको इस तरह परचेज की एंट्री करनी है और ये जो परचेज है वो हमारी है परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज GST की अलग एंट्री होगी, परचेज IGST की अलग होगी और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट की अलग होगी। तो ये जितनी भी परचेज है उसकी एंट्री हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो अब हमारे जो इनवॉइस है वो पूरा हो चुका, अब सिंपली हम एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, फिर एंटर, एंटर, एंटर और लास्ट में ही हमसे पूछेगा सेव यस और नो। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हमारे ये जो इनवॉइस है उसकी एंट्री हो जाएगी, हमारे परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ, ये हमारे परचेज की एंट्री यहाँ पर हो गई। तो दोस्तों इसी तरह आपको बाकी की परचेज की एंट्री करनी है, बाकी सब सेम है, बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर नई पार्टी से माल खरीदते हैं तो उसका लेज़र क्रिएट करना है, नया आइटम खरीदते हैं तो उसका लेज़र आपको क्रिएट करना है और यहाँ पर यूनिट क्वान्टिटी कोड देखिए यहाँ पर PCS आ गई है तो इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा कोई आइटम हम जो दोबारा खरीदते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरा सीड 555 1 kg, इसको हमने दोबारा खरीदा है तो इसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि जिस पार्टी का लेज़र हमने एक बार क्रिएट कर दिया उसको दोबारा नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल कृषि बीज भंडार से अगर हम फ्यूचर में कभी माल खरीदेंगे तो दोबारा उसका लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितनी भी परचेज यहाँ पर दी हुई है सब परचेज एग्जेम्प्टेड है, तो आपको परचेज एग्जेम्प्टेड का लेज़र भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल एक बार ही लेज़र बना दिया है, दोबारा उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टॉक आइटम, जो स्टॉक आइटम आपने एक बार क्रिएट कर दिया, अगर आप दोबारा उसी आइटम को खरीदते हो तो उस आइटम को भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिस्ट में से आपको उसी आइटम को ले लेना है। इसी तरह यूनिट, जैसे किलोग्राम की और लीटर की यूनिट हमने ऑलरेडी बना दी है, दोबारा हम इसको नहीं बनाएंगे। और इसी तरह स्टॉक ग्रुप आइटम एट द रेट 00% का स्टॉक ग्रुप हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसको भी हम दोबारा नहीं बनाएंगे।